साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तमाम उन युवा साथियों का जो लगातार हमारे संघर्ष में साथ थे और एक आवाज में इस गर्मी में इतनी संख्या में है, यानी कि 1500-2000 लोग कल शहीद स्मारक पर, यानी कि बेरोजगारों का मेला लगा और पूरी सरकार को एक मैसेज दिया और खुला आपने सरकार के खिलाफ ताल ठोकी है। हालांकि आपने देखा होगा कि वहाँ जो तमाम बेरोजगार अलग अलग भर्तियों के बेरोजगार वहाँ पहुँचे और उन्होंने ताकत दिखाया, वहाँ आधे घंटे तक पुलिस प्रशासन से हमारी झड़प हुई क्योंकि रैली निकालने के लिए हम लोगों को रोका जा रहा था। आधे घंटे तक हमसे उलझती रही क्योंकि पुलिस भी ऊपर के निर्देशों की पालना कर रही थी। हमारे कई साथी गिरे, मैं भी गिरा, कई लोगों के धक्के लगे, धक्के क्योंकि संघर्ष में, क्योंकि अभी जो रोजगार के लिए बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो धक्के खा रहे हैं। आधा घंटा धक्का खाना, हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा मजबूती से संघर्ष करेंगे तो कई लाखों बेरोजगारों का भविष्य आने वाले समय में बन जाएगा। युवा साथियों, जो तमाम बेरोजगार एक आवाज में अपने स्वयं के खर्चे पे वो पहुंचे, क्योंकि हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम बसें लगाएं या नाश्ते की व्यवस्था करें या खाने की व्यवस्था करें, लेकिन भूखे प्यासे लोग वहां इस संघर्ष में साथ रहे, गर्मी में बिना टेंट के नीचे वहां डटे रहे। टेंट वाला आया था लेकिन हवा में उड़ गया, उसके भी आपको पता चार्ज देना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा संघर्ष लगातार जारी रहा। युवा साथियों, मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि आज कल जो चार बार वार्ता का बुलावा है, मेरे जो तमाम साथी है सोशल मीडिया के जो क्रांतिवीर हैं उनको मैं जवाब देना उचित नहीं समझता, लेकिन जो वहां मौजूद थे, तमाम अभ्यर्थियों से बात करना, तमाम डेलीगेशन को साथ ले जाना, कल 21 लोग गए थे, वार्ता नहीं हो पाई वहां जाने के, क्योंकि पहले हमें कहा गया कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे और तमाम वहां धरने पे बैठे अलग अलग भर्तियों के 21 लोगों को हमारे डेलीगेशन को, मैं सभी को लेके गया क्योंकि सुबह से ही एक प्लान और मीडिया में एक बात रखी थी कि सरकार चाहे मुझसे बात करे ना करे, लेकिन पीड़ित बेरोजगार जो अभ्यर्थी अपनी भर्ती के लिए उससे बात कर उनकी समस्या का हल करे। और मैंने यह भी ऐलान कर दिया था मीडिया में, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिलना चाहिए, बुलाइए बेरोजगार को और उनकी पीड़ा सुनिए और न्याय कर दीजिए। मैं उसी दिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बंद कर दूंगा। मुझे शौक नहीं है, सड़कों पर आंदोलन करने का शौक नहीं है, लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि मेरा पीड़ित बेरोजगार दर दर की ठोकरें नहीं खाए, उसे बुलाए, सामने बैठे, अधिकारियों को बिठाए और मुख्यमंत्री से निर्देश कर उनकी समस्याओं हल करे। ना बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता होगी और न ही सड़कों पर बेरोजगारों को उतरने की आवश्यकता होगी। साथियों, कल चार बार हमने वार्ता का न्योता ठुकरवाया, बार बार फोन आते, बार बार पुलिस प्रशासन के लोग आ रहे थे। एक बार हमें वो धोखे से ले गए, हमें कहा कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे, हमारे 21 लोग गए अलग अलग भर्ती हुए, वहां जाने के बाद पता चला कि वो हमें सीएमओ में अधिकारी से मुलाकात करवा रहे थे, लेकिन हम सीएमओ से वापस बाहर से वापस आ गए और धरना स्थल पर पहुंच गए, धरना स्थल पर पूछे और बाद में सीएमओ से ये हमने ये कहा कि हम तो या तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे या मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से करेंगे। रात को फिर देर रात हमें पता चला, कुलदीप राका जी के ऑफिस से फोन आया कि कल 4 बजे हम आपके प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे। साथियों, फिर सबकी सहमति से, क्योंकि कई लोगों की परीक्षा, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कई रीड की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कई टेक्निकल हेल्पर भर्ती के एग्जाम चल रही है, तो अलग अलग भर्तियों के जो लोग तैयारी कर रहे थे उनका यही था कि वो रुक नहीं सकते थे क्योंकि एक दिन का यह प्रोग्राम था, क्योंकि उनको एग्जाम देनी थी। और साथियों, रात को फिर जैसे आपने देखा होगा बरसात का मौसम था, कैसे हालत हुई, तो फिर हम सब ने निर्णय लिया कि कल हम सब लोग एक बार सुबह फिर इकट्ठे होंगे। आज सुबह करीब 100 के करीब लोग वहाँ आज पुनः इकट्ठे हुए और फिर वहाँ जो आए उनमें से 14 प्रतिनिधि लोग मेरे सहित, यानी कि 13 और थे मेरे अलावा, हम सभी लोग सीएमओ में 4 बजे पूछे और मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव साहब से हमने वार्ता की। उससे पहले मैंने सारी चीज़ें उनका अवगत करवाई कि जिस प्रकार वहाँ मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव, सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी, 3 अधिकारी यानी कि 2 IAS एक सीनियर RS अधिकारी, 3 लोग वहाँ मौजूद थे। तमाम बिंदुओं के लेकर चर्चा हुई और 14 जो प्रतिनिधि मंडल थे, मैंने कहा साहब इनकी पीड़ा सुनिए, उन लोगों ने भी अपनी बात रखी और उनकी बात भी मैंने मजबूती से रखी। शायद वो 14 भर्तियों के प्रतिनिधि मंडल थे, 13 भर्तियों के जो प्रतिनिधि मंडल थे, शायद वो आपको बता सकते कि उपेन यादव ने आपकी बात कितनी मजबूती से रखी, कितना साथ दिया वो बता सकते हैं। शायद आपको पता होगा कि कल पूरे दिन भर सड़कों पर मैं बैठा हुआ था, पुलिस के धक्के भी खा रहा था, जैसे आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी खाना नहीं खाया। और किसी भी बेरोजगार से, आपको पता है कि आप लोगों के सामने टेंट वाला आया था, वो कह रहा कि मैं 18,000 रुपये लूँ, फिर लास्ट में उसको 12,000 रुपये भी मैंने कहीं से दोस्तों से उधार लेके, मैंने मेरी जेब से दी, किसी बेरोजगार से एक पैसा नहीं लिया, ना आगे लेंगे, ना कभी लिया है, क्योंकि मैं उन पीड़ित बेरोजगारों की समस्या जानता हूँ कि वो घर से दूर से किराया भाड़ा और रुक कर कितना खर्चा, एक व्यक्ति आके गया होगा 1,000 रुपये का खर्चा होगा, सरकार
को ये लगता है कि बेरोजगार फिर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है आंदोलन पर आना, लेकिन उनकी पीड़ा समझता हूँ। तो किसी प्रकार की उन लोगों को समस्या नहीं आने दी, झड़प हुई, हंगामा हुआ, लेकिन किसी बेरोजगार पर न मुकदमे लगने दिया न कुछ होने दिया। लेकिन यह जरूर है कि हमारी जो हमने ताल ठोकी है साथियों, कल के आंदोलन का उद्देश्य ये था, सरकार हमारी मांगे मान ले तो ठीक है, अन्यथा वोट की ताकत हमारी यही होगी कि हम लोग पूरे राजस्थान में किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर व्यक्ति जो हर व्यक्ति का बेरोजगार, जहाँ भी ये वर्तमान सरकार के जो नेता जाएंगे, यह सब विरोध करेंगे। ये चेतावनी दे दिया हमने, ताल ठोके मीडिया में खुला कह दिया, उखाड़ फेंकेंगे हमारी मांगे नहीं मानी तो। अब सवाल ये लोगों के कि आज की वार्ता में क्या हुआ, मैं उन पर चर्चा करूंगा और युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से। कि साथियों, सबसे पहले तो मैं तमाम युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक आवाज में, यानी कि एक सोशल मीडिया के मेरी वीडियो एक आवाज में हजारों की संख्या में पहुंचकर सरकार को एहसास करवा दिया और तमाम उन लोगों को एहसास करा दिया कि उपेन्द्र यादव के साथ प्रदेश के बहुत से ज्यादा युवा साथ है, हजारों युवा साथ है, उनके माँ बाप का आशीर्वाद है, सब लोग साथ है, अकेला नहीं। तभी इतनी झड़प होने के बावजूद भी पुलिस ने न लाठीचार्ज किया न गिरफ्तार किया। आपने देखा होगा कि कई धरना प्रदर्शन थोड़ा सा हंगामा होते हैं, वो मुकदमे दर्ज कर देते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं और लाठीचार्ज कर देते हैं, लेकिन यहाँ हालात इसलिए नहीं बने। इनको पता था कि मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, किसी मेरे बेरोजगार साथ कुछ हो गया तो मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे बेरोजगार साथ गलत नहीं होने दूंगा किसी भी हालात में। साथियों, अब मैं चर्चा करना चाहूंगा साथियों इस लाइव में, मैं कमेंट को देखकर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं मानपत्रों को देखकर चर्चा कर रहा हूँ। कमेंट तो घर बैठे वाले जो हैं, मेरे वीर योद्धा सैल्यूट करना चाहूंगा जो घर बैठे कमेंट करते हैं, जब धरातल पे बुलाते तो आते नहीं। और एक चीज और बता दूं, अब वो झूठ भी नहीं बोल सकते कई लोग जो नहीं आने वाले, क्योंकि वहां अलग अलग भर्तियों के लोगों से मैंने बात की थी, पूछा था, सब पता कौन सी भर्ती के लोग, ये भी मुझे पता था कि रेडियो का पर ECG कहां बैठे थे, नर्सिंग भर्ती 2018 वाले कहां बैठे थे, विशेष शिक्षक कहाँ बैठे थे, कंप्यूटर अनुदेशक वाले कहाँ बैठे थे, संस्कृत विभाग वाले कहाँ बैठे, सारे की जगह भी मुझे पता है, संख्या भी मुझे पता है, हर चीज़ का मुझे पता है। तो मुझे इस बात ये नहीं कह सकते भाई साहब हम आए थे, क्योंकि संघर्ष में आना भी पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है। साथियों, मांग पत्र की जो मांगे, हालांकि मांग पत्र की सारी मांगे मैंने सरकार के सामने रखी है, मीडिया के सामने रखी है, क्योंकि मांग पत्र सबके सामने जाता है। जो मांग पत्र मेरे सामने जो मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव और संयुक्त सचिव और सचिव के पास ही गया, मैं चर्चा करना चाहूंगा पंचायत राज LDC भर्ती 2013 के लिए। लगभग प्रक्रिया पूरी संपूर्ण है, लोग सवाल पूछ रहे थे कि 4192 पदों पर ये कैलेंडर जारी होना था, अब 4020 पे क्यों। मैंने इससे संबंधित अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि हमने रोस्टर के अनुसार सारी जो पदों की जो गणना हुई है, जो हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं, जो हम लोग को जारी करेंगे, उसमें रोस्टर को हमने लागू किया है, तो रोस्टर के अनुसार जो आंकड़े बैठे हैं ना, वो 4020 ही है, जो इसके अनुसार ही रोस्टर लागू हो रहा है इन पदों के अनुसार ही। तो साथियों, हम दूसरे चरण के लिए भी प्रयास करेंगे, पहले एक चरण की प्रक्रिया शुरू हो। अब कैलेंडर कब जारी होगा नियुक्ति प्रक्रिया का, साथियों मैं अब ये नहीं कह सकता, कल भी जारी हो जाए, लेकिन पक्का इसलिए नहीं कह सकता, मैं केवल जैसे क्योंकि मैंने अधिकारियों के साथ कह चुका हूँ कि जब जारी हो उस दिन मुझे बता देना आज जारी हो, क्योंकि कई बार हमने कैलेंडर के लिए कह दिया इस वीक में जारी होगा, अगले वीक में जारी होगा, इस महीने में जारी होगा, लोग खुशियां बनाते हैं और बस जारी नहीं होता, उदास होते, परेशान होते, दुखी होते, क्योंकि उनकी भी इज्जत का सवाल है, वो भी पड़ोसी और रिश्तेदारों को बता देते हैं। तो संभावना कल की भी है, लेकिन जब भी जारी होगा आप लोगों को मैं बता दूंगा। कल काम हो गया था कल, लेकिन उन्होंने कहा अतिशीघ्र है, मैंने पूछा अतिशीघ्र में कितना होता है, बोले कल हो जाए कभी हो जाए, लेकिन कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तो उन्होंने जल्द पंचायत राज LDC भर्ती जो 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगार को न्याय मिल सकता, और कई प्रेशर अभ्यर्थी आए थे, और इसमें पहले की जो मेरिट के अनुसार जो मेरिट में आएगा, चाहे प्रेशर आए चाहे संविदा पे मेरिट में आएगा, उसका कल्याण होगा, उसका नंबर आएगा। तो साथियों, इसके लिए यह है प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा साथियों कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो न्यायालय में अभी जो चर्चा हुई, लोगों को तो पता ही नहीं है, लोग तस्वीर मंत्री के साथ खिंचवाते हैं, बात करते हैं, उनको पूरी खानी का पता ही नहीं है, बहुत लोग घूम रहे हैं, अलग अलग ग्रुप उनके घूम रहे हैं। सच यही है कि स्टे लिखित में नहीं है, लेकिन वहाँ मौखिक टिप्पणी न्यायालय के द्वारा की गई थी, तब उसके आधार पर लीगल ओपिनियन उन्होंने राज्य सरकार को, यानी कि शिक्षा विभाग को EG ने भिजवाई थी, उसके आधार पर उन्होंने 25 तारीख तक जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया रोकी थी, और आज मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी ने अब जॉइंट सेक्रेटरी और सचिव साहब को कह दिया कि एडवोकेट से बात करके, और जब सुनवाई कल है तो वहां से
ये जो स्टे जो मौखिक स्टे है इसको हटवाने की कोशिश करें, जिससे या सीट वैकेंट करवा दो जिन लोगों का विवाद चल रहा है, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। हमारे सामने राजेंद्र चौधरी वहाँ डेलीगेशन में शामिल था और हमारे सामने जो मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव है, यानी कि मुख्यमंत्री जी का सारा काम देख रहे हैं, और जो जॉइंट सेक्रेटरी यानी सीएमओ से ये भर्ती पहले जिंदा हुई, मुख्यमंत्री जी के कारण ही ये भर्ती जिंदा हो पाई थी। कुलदीप राखा जी, तमाम आरती डोगरा जी और ललित कुमार जी ने पूरा इस मामले में सहयोग किया था। आज उन्होंने ही इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जज साहब से बात करके समस्या का निस्तारण करेंगे। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, एडवोकेट जनरल साहब से बात करके और उनसे कहेंगे, एडवोकेट जनरल साहब से कहेंगे कि वो संबंधित एडवोकेट को बोले और वहाँ जब सुनवाई हो जो संबंधित एडवोकेट हैं वहाँ वो प्रार्थना पत्र लगाकर या जो भी कुछ कर वहाँ वो स्टे वेकेट करवाकर या जो मामला बढ़े तो सीटें वेकेंट करवा दे, लेकिन कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाकर इसको पूरी करवाने की वो कोशिश करेंगे। इसके अलावा साथियों, रेडियो का पर लैब टेक्नीशियन भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, ईसीजी के जो तीन अभ्यर्थी थे, रेडियो का पर लैब टेक्नीशियन का प्रतिनिधि मंडल वहाँ मौजूद था, ईसीजी का प्रतिनिधि मंडल वहाँ मौजूद था। रेडियो का पर लैब टेक्नीशियन के लिए वो कह रहे हैं कि अधिकारी से बात कर जल्द ही उनको निर्देश दे देंगे। तो साथियों, आप घबराओ मत, मैंने आपसे वादा किया था, वो वादा पूरा होगा और अब जल्दी आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। आपका प्रतिनिधि मंडल वहाँ मौजूद था, उन्होंने बात रखी, उन्होंने ये भी कहा कि जब फोरम में आरपीएनसी के रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें ऐड करा, इस पॉइंट को भी नोट किया गया, तो आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करने की, उन्होंने कहा कि हम कल अधिकारियों से बात करेंगे तो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन दिया। तो चिंता मत करो, जल्द का मतलब 2-4-5-10 दिन में कभी भी, यानी कि आने वाले समय में, यानी कि जून का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। आप चिंता मत करो, आपकी विज्ञप्ति रेडियो का इलेक्ट्रिशियन की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होगी, क्योंकि आपको पता है आपको भी यही कह रहे थे 5 दिन 10 दिन 7 दिन, लेकिन आज हम लोग वहां गए, उन्होंने विश्वास दिलाया है। तो चिंता मत करिए, आने वाला जो जून का महीना आपके लिए शुभ होगा और आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। ईसीजी में थोड़ा सा समय लगेगा, तो ईसीजी में भी वो विभाग से बात करेंगे, उसमें नोट किया, वो परीक्षण करवाएंगे और बात अधिकारियों से करके इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाने का आश्वासन उन्होंने दिया है। साथियों, विशेष शिक्षक में अशोक हमारे प्रतिनिधिमंडल में शामिल था, अशोक शर्मा, और उन्होंने अलग विशेष शिक्षक कैडर की बात की कि अलग से कैडर बना दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव साहब ने कहा कि अलग कैडर बनाए की समस्या ये होगी कि एक जिले में जिसको ज्वाइनिंग मिल गई तो वो वहीं रहेगा, आ नहीं पाएगा, दिक्कत ही आ जाएगी, कैडर बनाने में नुकसान हो जाएगा। तो कैडर के लिए उन्होंने ये कारण बताया, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि देखो, जनवरी में एग्जाम होगी शिक्षक भर्ती की, और अभी भी, क्योंकि फिर जब जनवरी में एग्जाम होगी फिर हम विशेष शिक्षकों की मांग करेंगे तो आप कहोगे कि गणना करवाएंगे, वो करवाएंगे, अभी समय है, जनवरी में समय है, आप गणना करवाइए, आप नियमों में शिथिलता दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकालिए। वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, आप लोगों ने किया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर निकालने की मांग उसमें आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर निकालने की मांग हमने की है। तो आप, मैंने कहा अभी भी जो परीक्षण करवाना है आप लोगों को और अभी भी जो शिथिलता नियमों में दिलाना है, 3 या 4 बच्चों का जो आपको वो करना है इसमें जो क्राइटेरिया, तो आप करिए, ये चीज़ हमने रखी है। तो उन्होंने, आरती डोगरा जी ने और ललित जी ने इस पॉइंट को नोट किया और कुलदीप राखा जी ने भी उनको कहा है कि इस मामले में वो परीक्षण करवाएंगे। तो मैंने ये चीज़ अशोक भी था, उन्होंने भी, मैंने कहा कि बाद में ऐसा नहीं विज्ञप्ति के समय कह दो कि नहीं हम वो परीक्षण करवा रहे, ये करवा दें, नियमों में शिथिलता नहीं, जो करना आप करिए, क्योंकि अब तो जो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बारे में भी हमने हवाला दिया। जितनी कोशिश हो रही है, विशेष शिक्षक के अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में आए थे, रेडियो का पर लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में आए, दोस्तों आपने देखा होगा, आप धूप में बैठा था, मैं भी धूप में बैठा, जितनी मदद मुझसे हो रही है मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा भला होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार, क्योंकि तुम लोग लखनऊ में भी मजबूती से आप मेरा साथ थे, संघर्ष में आप डटे हुए थे, अभी भी आप डटे हुए थे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, मैं लगातार प्रयास करूँ, आपका भर्ती मौजूद थे, कोशिश कर रहे हैं और पीछा छोड़ेंगे नहीं, जब ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप 10,000 पदों की मांग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आपकी वैकेंसी है, इसके लिए मैं लगातार आपके साथ हूँ, साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। साथियों, इसके अलावा जो पंचायत राज जैन भर्ती, पंचायती राज जैन भर्ती का जो मामला मैंने आप लोगों को बताया था, आपके इस बार संख्या में 40-50 लोग भी थे, आए थे, और आपके प्रतिनिधि अनिल मीणा जी मेरे साथ थे, बात भी है, लेकिन उन बातों से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि बार बार अब मुझे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम लोग इसलिए रोक दिया कि पहले 500 कितने पे आ रही थी, आपने कहा 2100 को जोड़ो पदों के, आप जुड़वा रहे थे 500 कितने पदों को 2100 में जुड़ाने की कह रहे थे, इसलिए रोक दिया। सर, आप जो जेटी वाला मामला चल रहा उनका अलग चल रहा, लेकिन कम से कम ये फ्रेशर भर्ती होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम विभागीय अधिकारी से बात करेंगे, बार बार ये चीज़ तो हर मीटिंग में होता है कि विभागीय अधिकारी से बात करेंगे, ये बात कब पूरी होगी, विज्ञप्ति कब जारी होगी। तो राका साहब ने कहा कि हम एक बार अधिकारी से बात करके और इसमें जो भी होगा हम जल्द करेंगे। तो साथियों, इस पे जेएन भर्ती की जो प्रक्रिया है विज्ञप्ति से संबंधित, जारी संबंधित, इस मामले में मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ,
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मैंने उनसे कुलदीप राका जी से निवेदन किया, उन्होंने ये कहा है कि 10 तारीख के बाद आपके प्रतिनिधिमंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे। तो साथियों, जैन भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, मैं पहले भी साथ था, आगे भी साथ हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों का नियम संशोधन तो हुआ, यानी भर्ती तो आएगी, चिंता न करिए, लेकिन समय लग रहा है, इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ मैं, समय लग रहा है इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और जल्द से जल्द आए, क्योंकि नियम संशोधन तो ये लगातार कर रहे हैं, और नियम संशोधन वो समय लगा रहे, इतना समय नहीं लगाना चाहिए। विज्ञप्ति आपको पता है 2008 के बाद ये जारी नहीं हो पा रही, युवा बेरोजगार परेशान है, तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए दोबारा उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में एक बार फिर हम जाकर उनसे मिलेंगे, उन्होंने कहा कि जब तक वो विभागीय अधिकारी से बात करेंगे हमें वापस बुलाएंगे, तो 2-4 दिन बाद आपके प्रतिनिधिमंडल के पास साथ जाकर मैं दोबारा मुलाकात करूंगा और पूछूंगा क्या हुआ, कब तक होगा, जो भी स्थिति मैं आप लोगों का अवगत करवा दूंगा। जूनियर अकाउंटेंट जो भर्ती के जो अभ्यर्थी थे साथियों, उनकी सबसे बड़ी मांग थी एक तो सिलेबस में बदलाव की, एक मांग थी सेट या CET से इसको दूर किया जाए, बाहर रखा जाए, और साथियों मुझे उम्मीद है पूरी, मैंने मजबूती से आपकी बात रखी है, मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव साहब भी इस बात से सहमत थे, और मैंने कहा जब कैलेंडर जारी हो चुका है, सितंबर में एग्जाम होनी थी, लोगों ने तैयारी भी कर ली, 2013 के बाद ये भर्ती आ रही है, और आप इसको सेट जो एग्ज़ाम है अभी कराओगे, मानो दिसंबर में हो गई तो उसके बाद परिणाम आएगा, फिर दूसरे एग्जाम होगी, फिर चुनाव आचार संहिता लग जाए, इनको कब नौकरी मिलेगी, तो उन्होंने संतुष्टि दिखाई है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वार्ता आप लोगों के लिए रंग लाएगी, और उम्मीद है कि इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो आज वार्ता हुई आपके अभ्यर्थी भी संतुष्ट थे, लकी वहाँ मौजूद था, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और 100% मुझे उम्मीद है CET से आपकी ये भर्ती को हम बाहर करवा लेंगे। अभी बाहर नहीं हुई है CET जो है उसमें अभी लपेटे में ध्यान रखना, आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, कई लोग कह देंगे हमने बाहर करवा, नहीं हुआ बाहर, तो हम संघर्ष कल सड़कों पे बैठे हैं और आज वार्ता की है, आज सकारात्मक उन्हें आश्वासन मिला, वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ एक बार बात तो करें, और उन्होंने चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है, अभ्यर्थियों के साथ हमने चेयरमैन साहब से बात किया, वो भी पॉजिटिव है, तो कोशिश करें CET से बाहर हो जाए, जिससे आपकी भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द हो सके। तो आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूँ, जूनियर अकाउंटेंट के जो अभ्यर्थी है वो संतुष्ट है, साथ ले गया था, बात उन अभ्यर्थियों को पूछना, मैंने मजबूती से उनकी बात मैंने रखी है, उन्होंने सिलेबस और दोनों आगे रखी है, और दोनों पर उन्होंने आश्वासन दिया। तो साथियों एक चीज़ और मैं बता दूँ, वार्ता में जाते हैं तो तुरंत काम नहीं होते, वो अधिकारियों से बात करते हैं, दिशा निर्देश भी जारी होते हैं, वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि आपको ये करना है, फिर वो फाइल चलती है, फाइल के जैसे DOP से वो फाइल चलेगी कि सेट से, जैसे पहले मैंने ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर अकाउंटेंट भी पहले CET में थी, इसको अलग करवाया था पहले भी, तो वो मैं ज्ञापन देकर आया था, आप लोगों ने देखा होगा DOP सेक्रेटरी को, उसके बाद वो अलग हुई थी, उसके बाद जैसे ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम हो पाई, तो ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पटवारी भी एक एग्जाम हो पाई, उसकी भी 2 हो पा रही थी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को राहत मिले, लेकिन मैं आपके साथ आज भी नहीं मिलेगी तो फिर आपके साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, आपको राहत मिले, आप सही हो, क्योंकि आपका समय लंबा हो चुका है, तो चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अभ्यर्थियों को। संस्कृत विभाग में पद बढ़ाने वाले मामले में वो परीक्षण करवाएंगे, पद कितने खाली हैं जो इन्होंने पोर्टल पे बताई, आपके जो शिवला ने बताई, तो वो उस मामले में उन्होंने नोट करवाया, वो विभाग से पूरी जानकारी लेंगे कितने पद खाली है, उसके बाद ही पद बढ़ाने को लेकर निर्णय होगा, वही पुस्तकालय अध्यक्ष में भी पद बढ़ाने को लेकर वो वहाँ से पूरी डिटेल विभाग से लेंगे, दोनों भर्तियों के संबंध में। 2017 में ये भर्ती आई थी और अब 2022 में ये भर्ती आ रही है, पद बहुत खाली है, ये बात हमने रखी थी, तो वो उसमें परीक्षण करवा रहे हैं, कि जैसे PTI भर्ती में भी क्या हुआ था, हमने वो बात रखी, हमने कहा 1-2 महीने बाद PTI निकाल लें, पदों की संख्या बढ़ा जाए, विज्ञप्ति रोकी जाए, उन्होंने रोकी, उन्होंने परीक्षण करवाया, पदों की सूचना मंगाई और पद संख्या बढ़ी, वही स्थिति अब आप में प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो पता करवाएंगे पद कितने खाली है, परीक्षण करवाएंगे, उनकी जो पदों की डिटेल आएगी, फिर वो वित्त विभाग से स्वीकृति मांगेंगे, वित्त विभाग से जितने पदों की स्वीकृति मिलेगी वो पद संख्या बढ़ेगी, तो अभी परीक्षण होगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कितने पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे क्या होगा, विभाग के रिप्लाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपका अभ्यर्थी वहां मौजूद था और वो संतुष्ट था, और वार्ता मैंने प्रत्यक्ष आमने सामने बिठाकर अधिकारियों के साथ हुई थी, जो उन लोगों को पता है। विस्तृत सिलेबस शिक्षक भर्ती का इस संबंध में भी मैं कल निदेशक मोदी जी से बात करूंगा, 2 दिन पहले बात की थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था, जैसे मैं बता दूंगा, और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड में कौन सी होगी, इसके लिए मैंने अलग से यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया था, आप देख सकते हो, और इसी वीक के लिए मुझे IAS सचिव हजारीलाल अटल जी ने कहा था, इसी वीक में हम दिशा निर्देश यानी कि प्रेस नोट जारी कर देंगे, फर्स्ट ग्रेड कब होगी, सेकंड ग्रेड को, इसी वीक के लिए कहा था, तो अब ये वीक चल रहा है, तो इसी वीक में कभी भी वो दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो संस्था थी उसकी
आपने देखा होगा मान्यता रद्द होगी, जिसके लिए हमने मजबूती से कल आवाज उठाई थी वो मान्यता, लेकिन अब उसकी संपत्ति भी जब्त करो, उसको नए कानून के तहत जेल में डाल, अपराधियों में डर होना चाहिए, ये मांग भी हम लगातार कर रहे हैं, ये मांग भी हम कर रहे हैं। साथियों पेपर लीक हो जाता है और हजारों की संख्या में सड़कों पर आप लोगों को उतरना चाहिए, लेकिन वहाँ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर कोई नहीं पूछा। जो अन्य भर्ती परीक्षाओं ने जिन्होंने एग्जाम दी थी ना, वो अभ्यर्थी थी कि हमने भी एग्जाम दी थी, लेकिन विशेष इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर कोई भी युवा वहाँ नहीं आया कि मैं एग्जाम दे के आया था, मैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मैं एक अभ्यर्थी, कोई भी हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन वो जो अभ्यर्थी अब खड़ा कर रहे थे जो अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आए थे, उनका हमने दी थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि युवाओं को आना चाहिए, लेकिन आपने पता कि जो स्कूल थी उसके बाहर जाकर मैंने प्रदर्शन भी किया कि मान्यता रद्द हो, मान्यता रद्द हुई है, लेकिन उसकी संपत्ति जब्त हो और उनके खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई हो। जो आर्थिक जुर्माना 10 लाख से 10 करोड़ तक था वो भी, और 10 साल की सजा था, उन दोषियों पर लागू होनी चाहिए जिससे अपराधी में डर हो, आने वाली भर्ती परीक्षाएं बच सके। साथियों और इसके अलावा शिक्षक भर्ती 2012 में जब भी सुनवाई होगी वो फोन करेंगे, पशु चिकित्सक डब्ल्यू जो खाद्य सुरक्षा ये भर्ती है, इसमें एडवोकेट जनरल साहब पेरव्यू करवाएंगे, एडवोकेट जनरल साहब से पेरव्यू करवाएंगे जिससे जल्द से न्यायालय से निकल सके। वरिष्ठ अध्यापक 2016 के मामले में एक बार फिर वो न्यायालय के जो आदेश का परीक्षण करवा रहे हैं। तृतीय जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो विशेष शिक्षक वाले मामले में, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मामले में भी विभाग से परीक्षण करवाकर ही वो इनकी भर्ती के जल्द से जल्द जारी करवाने का निर्णय लेंगे। LDC भर्ती के लिए भी जल्द से जल्द अभ्यर्थना भिजवाए, RS भर्ती हो, SI भर्ती हो, PTI भर्ती हो, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती हो। मैं PTI भर्ती के लिए चर्चा करना चाहूँगा। देखो नई भर्ती की जो हमने मांग की है कल, चाहे वो जैन भर्ती हो, चाहे LDC हो, चाहे RS हो, चाहे SI भर्ती की मांग की है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की मांग की है, जूनियर अकाउंटेंट के साथ रेडियोग्राफर लेफ्ट, ये नई भर्ती की तो मांग की है। और कौन कौन सी नई भर्ती है जिनके लिए हमने मांग की है, ECG नर्सिंग भर्ती, फार्मासी, CHO, OT टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, कृषि प्रेक्षक, स्टोनोग्राफर, कृषि अभियंता, पुस्तकालय, NM, APRO, PRO, जलदारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा में, PTI, लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा में, नगर निकायों में जलदायु भर्ती, इन तमाम नई भर्तियों की विज्ञप्तियां निकालने की कल आंदोलन में मांग की है। सरकार तक इसका हमने ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने की मांग हमने इन भर्तियों की है। PTI भर्ती की विज्ञप्ति जून महीने में जारी हो जाएगी और इसी महीने में परीक्षा आयोजित कराने की बात की। आज मैं आपको बता दूं, PTI पटवारी के भी कई अभ्यर्थी मुझे मैसेज कर रहे होंगे, मैं आपको बता दूं आज मुलाकात मैंने चेयरमैन साहब से की थी, हरिप्रसाद शर्मा जी से, मैं खुद मिलकर आया था 12 बजे करीब, उनसे मैं मिलकर आया था, 11:30-12 बज गए थे जब मैं उनसे मिलकर आया था। तो उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम के लिए कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो स्कैनिंग का जो कार्य चला पूरी कोशिश कर रहे हैं इसी महीने में जारी करने के लिए। उन्होंने कहा 100% हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यदि काम पूरा नहीं हो पाया 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने पहले भी लाइव में बोला था इस महीने में 100% आने की संभावना है, यदि कोई कारण रहा जून का फर्स्ट वीक से ज़्यादा पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम लेट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ जहाँ उनके बातों से लगा उन्होंने कहा 100% पूरी कोशिश कर रहे हैं इसी महीने, और मैं भी उम्मीद करता हूँ इसी महीने परिणाम आ जाएगा, और जब जारी होगा उससे 1-2 दिन पहले आप लोगों को मैं बता दूंगा पता करके। और मैंने उनको कहा था कि मैं एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तो मैं आपको बता दूं इसी महीने में कभी भी परिणाम जारी हो सकता है इसी महीने में, लेकिन फिर भी कुछ कारण से समय लग जाए तो जून फर्स्ट वीक से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन संभावना इसी वीक की है, जो तमाम लोग मुझे बार बार कॉल और मैसेज कर रहे थे। और इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, कनिष्ठ जो कृषि अभियंता की जब बात की वो भी कह रहे हैं कि इसी साल हम एग्जाम करवाएंगे, PTI भर्ती की भी इसी साल एग्जाम कराएंगे और PTI भर्ती की विज्ञप्ति जून महीने में जारी कर देंगे। मुझे लगता है कि अभी वो भिजवा देंगे तो 15 जून से पहले PTI भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है, और इसी साल इसकी एग्जाम कराने के लिए कह रहे हैं, और वो अभी देख रहे हैं कि सितंबर में मिलता है क्या, नवंबर दिसंबर में मिलता है, संभावना नवंबर दिसंबर की बता रहे हैं एग्जाम करवाने की। और एक चीज़ और आप सबको बता दूं, CAT के लिए वो कह रहे थे कि दिसंबर में CAT की एग्जाम करवा सकते हैं, दिसंबर महीने में CAT की एग्जाम, कॉमन टेस्ट की एग्जाम CAT की वो दिसंबर में करवा सकते हैं। चेयरमैन साहब ने आज मुलाकात के समय, वार्ता के समय हमने जब बात रखी तो उन्होंने बताया। साथियों बिल्डिंग पर बुलडोजर चलना चाहिए, इसके लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। मैंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी, आज मुझे लाइव आना था यूट्यूब चैनल पर, आ गया मैं फेसबुक पर, क्योंकि युवा तक कार्यक्रम जो करना था मुझे यूट्यूब पर, मैं शायद जल्दबाजी में भूल गया, मैं बाहर से आया था, आते ही मैं लाइव पर आ गया। अब मुझे याद आया कि यूट्यूब पर लाइव आना था, मैं आया हूँ सीधा फेसबुक पेज पर, तो कई लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे खेद है, इसलिए मैं
जो लोग हैं यूट्यूब से, यहाँ अब यूट्यूब से क्या बाद में पता चलेगा, लेकिन कई लोग हैं जो देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि मैं फेसबुक पर भी लाइव हूँ। साथियों, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र और दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए कानून, इस संबंध में उन्होंने कहा कार्रवाई चल रही है, इस संबंध में हम लोग प्रयासरत हैं और हमने सभी विभागों को बोल रखा है, तो इसलिए कानून के लिए बोले प्रक्रियाधीन, उन्होंने बताया वो। जिसमें युवा बेरोजगार आयोग के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। साथियों, बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप के लिए मुझे जब मैंने मुलाकात की थी पहले, क्योंकि पहले जॉइंट सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, फिर उन्होंने प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात करवाई, तो उनका कहना था कि इसमें मुख्यमंत्री जी बड़ा फैसला लेंगे, वो सोच रहे इस मामले में, तो हम मांग करें कि बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप को बिल्कुल बंद किया जाए। सरकारी और प्राइवेट भर्तियों प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, ये भी ये चीज़ माने मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा, 10 तारीख के बाद यानी 10 जून के बाद मिलवाने का आश्वासन मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव साहब ने दिया कि 10 जून के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे। नर्सिंग भर्ती 2013 के मामले में लगातार अभ्यर्थी हैं, हमने कहा कम से कम न्यायालय में इसका जवाब तो पेश करो, निर्णय कोर्ट को देना है। सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं लिखित में हो, सभी मेरिट बेस में नहीं हो, ये मांग भी हमारी मांग पत्र में समिति आवाज उठाई। एक महत्वपूर्ण मांग थी कि प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में जो आवेदन की अंतिम तिथि से, आप कहते हो ओबीसी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आवेदन तिथि से पहले का, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले से एमबीसी का भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप पहले कह रहे थे, आप शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए, हमने कहा सभी भर्ती परीक्षाओं में इस मामले में आप नियम लागू करिए कि दस्तावेज सत्यापन तक उनके पास संपूर्ण योग्यता होनी चाहिए। तो इस संबंध में कुलदीप राका जी ने कहा कि वो डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी से बात करके जल्द इस पर निर्णय लेंगे, तो डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी से इस संबंध में वो बात करेंगे और उनसे मैं खुद भी मुलाकात करके आऊंगा, जिससे ये ऐतिहासिक फैसला हो सके, बार बार ओबीसी एमबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बनाना पड़े, और जो कोई लोग जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड भर्ती आ रही है, कई लोगों की बीएड 1-2 महीने में होने वाली है, कई लोग सेकेंड ईयर में, तो वो लोग वंचित नहीं रह जाएं, उन लोगों भी दस्तावेज सत्यापन, हर लोगों को मौका मिला है, जिसमें पढ़ने में जिसकी दम होगा वो आ जाए चेंज कर लेगा, लेकिन कम से कम उन लोगों को भी मौका मिले, क्योंकि कोरोना की वजह से 70 लेट हुआ है, ये वाजिब मांग है। तो ये मांग भी मैंने मजबूती से रखी है, चाहे वो पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी हो, चाहे अन्य कई भर्ती के अभ्यर्थी हों, लेकिन फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, इन सब पे रोक लगे। पीटीआई में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा जो सामने आया 2018 में, इसकी बात भी हमने मजबूती से रखी है, क्योंकि उन पर रोक लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो कानून भी जल्द आएगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10,000 पदों पर जो भर्ती निकालने की मांग की है, ये मांग भी हमने साथियों रखी है, जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती आए, जिससे आप लोगों को राहत मिले, जो इंग्लिश मीडियम में जो 10,000 पदों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मांग रखी है, दुर्घटना जो प्रतियोगी भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के दुर्घटना बीमा किया जाए, उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना से सबको लाभ मिल रहा होगा, तो अब मैंने कहा शायद मुझे नहीं लग रहा है इससे लाभ मिल पा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में, क्योंकि कई चीज़ें हम रखे उनके सामने, बोले आपने हमने मांग पत्र दिया, तो हम लोग भी जैसे डीओपी है, हम खुद भी लीगल ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, इससे ऐसा ऐसे कर सकते हैं, वो सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, आपने ज्ञापन देते हैं, हम कर नहीं सकते, पहले उनसे हम लीगल ओपिनियन लेंगे, परीक्षण करवाएंगे, जो हमें लगेगा हाँ लीगल ओपिनियन लेने के बाद हम कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे, ये उन्होंने कहा ये सुझाव आपका अच्छा है, इसके लिए कहा। प्रतियोगी परीक्षाओं परीक्षा के अंदर गृह जिले में देने की मांग रखी है, अब इसका रास्ता एक ही है, तो परीक्षा लेने वाला है जयपुर को जोधपुर, जोधपुर को जयपुर भेजो, उनको चेंज कर दिए, उनको अतिरिक्त भत्ता दीजिए, अभ्यर्थियों को अलग अलग जिलों में मत भेजिए, उनको भेजिए, इससे राहत मिल सकती है, दुर्घटना भी नहीं होगी और गृह जिले में वो एग्जाम दे पाएगा, न बसों की आवश्यकता पड़ेगी, न किराया फ्री माफ करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और नहीं भीड़ भड़ाक हो, न अव्यवस्था होगी, नहीं किसी की जैसे ट्रेन से कटकर उनकी दुर्घटना में मौत हुई है, ऐसी कई परिवारों को इन दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मांग भी हमने रखी है। टेक्नी हेल्पर के 3 अभ्यर्थी पूछे थे, 6,000 पदों की मांग कर रहे थे, ये मांग भी हमने रखी है, 3 अभ्यर्थी वहाँ पूछे। सितंबर 2000 में जो कमेटी बनाई थी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, वो कमेटी की रिपोर्ट ओपन करने की मांग भी हमने रखी है। कृषि व्याख्याता भर्ती में कृषि विषय को शामिल करने की, ये शामिल हो जाएंगे, इसमें सकारात्मक आश्वासन मिला है, वो 3 को किया और को नहीं किया, इसको शामिल करने का आश्वासन मिला, सीताराम भाकर ने भी मेरे पास आए थे और अभ्यर्थियों को मिलाया था, उनका डेलीगेशन में एक अभ्यर्थी शामिल था और उनको राहत मिलेगी, उन्होंने कहा यह काम हो जाएगा। नर्सिंग भर्ती 2018 में जामिया वाले प्रकरण में न्यायालय के आदेश की पालना में उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने की मांग भी हमने रखी है। साथियों, अधिकतर जो मांगे हमारे पास आई थी हमने सामने उनके सामने रखी है, लगातार युवाओं को न्याय मिले, और मेरी कोशिश थी कि साथियों अब मैं एक चीज़ आपसे बात करना चाह रहा हूँ,
तमाम एमपी एमएलए हैं लेटर लिखते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, फेसबुक पोस्ट डालते हैं, और आप लोग कहते हो कि लेटर लिखते से कुछ नहीं आता साथियों। आपके साथ सड़कों पे पूरे दिन मैं बैठा, भूखा रहा, धक्के खाया, पुलिस ने धक्का दिया, मैं नीचे भी गिरा, वहाँ बैठा रहा, मैं उठ के एक मिनट भी आपसे अलग किया जो तमाम लोग वहाँ बैठे थे, आपके बीच में बैठा रहा, छाँव में मैं भी जाके बैठ सकता था, पेड़ के नीचे मैं भी बैठ सकता था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि मेरा बेरोजगार दुखी है, परेशान है, उसका दर्द मैं समझता हूँ, उनका दर्द मैं समझता हूँ। और मैं कह रहा हूँ, मैं तो आज कह रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम स्थापित कर दीजिए किसी भी बेरोजगार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ नहीं आना पड़े, युवा बेरोजगार को सीधा बुलाइए, उनकी सुनिए, उनकी समस्या का निस्तारण करिए, ना कोई धरना प्रदर्शन होगा, ना बेरोजगार महासंघ होगा, मैं उसी दिन उसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पीड़ित बेरोजगार को सुनने वाला होना चाहिए, उसकी बात सुनने वाला होना चाहिए, उसकी समस्या का निस्तारण करने वाला होना चाहिए, ये मांग मैं कर रहा हूँ, कल भी मांग किया, आपने मीडिया में देखा होगा, मुझे बेरोजगार महासंघ चलाने का शौक नहीं है, आंदोलन करने का शौक है, लेकिन इन पीड़ित बेरोजगारों का आंखों में आंसू देखता हूँ, दर्द देखता हूँ, तो दिल रोता है, इसलिए मैं इनके लिए लड़ता हूँ, उनकी बात सरकार तक पूछाने की बात करता हूँ। आज 14 लोगों को मैं पुलिस वालों का पास ही ज्यादा नहीं जाने देंगे, नहीं कैसे नहीं जाने देंगे, लड़ झगड़ कर मैं 14 लोगों को लेकर गया हूँ, और 14 में मैं था, 13 लोग मेरे अलावा थे, और उन 13 लोगों को वहां ले जाकर उनकी बात आमने सामने बिठा कर रख पाई है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरी मजबूती से आपकी आवाज उठा सकता हूँ, आपके लिए लड़ सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आगे भी जहां मेरी आवश्यकता होगी लड़ूंगा, ऐसा नहीं कि हमारा आंदोलन स्थगित हुआ, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ मांगे उनके रिच महीने में कर देंगे, यानी कि आने वाले महीने में, यानी ये महीना तो खत्म हो गया, जून में बहुत कुछ करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया है, कि हमने आपने देखा होगा कि हमने इंटरव्यू को खत्म किया, नहीं अधिकतर भर्तियों वो आपकी मांग थी, उन्होंने ये भी बताया जब हमने साक्षात्कार खत्म किया अधिकतर भर्तियों वो आपकी मांग थी, मुख्य सचिव साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सीएम साहब भी जल्द मीटिंग लेंगे, हम खुद सीएमओ के भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। मैंने कहा सर अभी इस आने वाले महीने में आपने भर्तियां नहीं निकाली तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगस्त सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, फिर भर्तियां आचार संहिता के बैठ चढ़ जाएंगे, भर्तियां नहीं हो पाएंगे, अब भर्तियां जो अब निकालोगे वो जाके जुलाई अगस्त तक या मई जून तक हो पाएंगे, अगले साल भर में वो भर्ती प्रक्रिया हो पाएंगी, इसलिए आपसे निवेदन है जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया जो नई है वो निकाले, पुराने को पूरा करें। ये चीज जो मैंने चीज आपके सामने रखी, नई भर्तियां जो तमाम लोगों की, ये भी रखी है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मांग पत्र की जो मांगे थी ना, मैंने चीजें सब आपके सामने रख दी है, और हाईकोर्ट ग्रुप डी के मामले में कहा कि वो तो न्यायालय रजिस्ट्रार साहब ही करते हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये बात भी हमने कल उठाई है। जल्द से जल्द मंत्री सुभाष गर्ग का इस्तीफा लिया जाए, इस व्यासने लगे, इस पे तो मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय कर सकते, लेकिन ये मैंने मांग पत्र उनको सौंपा है। और महत्वपूर्ण मांग आपने देखी कि राजस्थान पेपर लीक मुक्त राजस्थान होना चाहिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान की हम मांग करें, भ्रष्टाचार मुक्त नकल मुक्त राजस्थान की हम मांग करें, लगातार ये मांग हमने उठाई है। मेरा मोबाइल दे दीजिए साथी, मैं एक बार किसी कमेंट आ रहे हो तो मैं पढ़ने की कोशिश करूँ, लेकिन साथी इतना कह सकता हूँ घर बैठे कमेंट करना, आज आपने देखा होगा कि युवा बेरोजगार की मांगों को लेकर आज आप पार्टी ने प्रदर्शन किया, आप उनकी भीड़ देख लीजिए, हमारा ये राजनीति संगठन है, उनका संगठन है, और आज हमारे भीड़ देख लीजिए, एक आवाज़ में, और सबने अनुशासन में रखा, अच्छा वजूद सरकार तक का बात की है, और हमने चैलेंज दिया, उखाड़ फेंकेंगे हमारी मांगे नहीं मानी तो, लड़ेंगे हम 3 सांस तक, सच के लिए लड़ रहे हैं, गलत के लिए लड़ रहे हैं, वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे हैं। साथियों मैं एक बार आपके कमेंट भी देख लेता हूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हमेशा रहूंगा, अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा मैं, लेकिन आप सब आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो लोग मेरे साथ मौजूद थे वो सब, उनको पता है कि धरातल पे कार्य संघर्ष कैसे किया जाता है, कैसे धक्के खाए जाते हैं, मेरे साथ थे, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने इतना मुझे मान सम्मान दिया। आज आपने देखा होगा कि इंटरव्यू खत्म होने पर और पीटीआई भर्ती की ऐतिहासिक भर्ती पर लोगों ने केक काटे, साफा पहनाया, माना पर इतना मान सम्मान दिया। मैं अजय की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो वहाँ मौजूद थे, अमन मौजूद था, अजय मौजूद था वहाँ, तमाम वो जो इस भर्ती से जुड़ी वो लड़कियाँ तमाम मौजूद, उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। लेकिन संघर्ष का परिणाम मैं चाहता हूँ, ऐसे हर बेरोजगार के चेहरे पर खुशी है जैसे पीटीआई के भर्तियों के खुशी है, हर बेरोजगार के चेहरे पर ऐसी खुशी है जिसको न्याय मिल सके। मैं एक बार कमेंट मेरा शायद
प्रयोगशाला साहिब की कल भर्ती इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। ओबीसी आरक्षण के संबंध में अलग से मीटिंग रखी जाएगी जून में। और ओबीसी आरक्षण के मामले में भी मैंने आज आपको बता दूं, जो ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर जो ट्वीट कर रहे हैं, जो अभी लाइव है, उन अभ्यर्थियों को बता दूं, चाहे ये मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को काट कर डाल देना, जहां मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव और सचिव, वह तीनों वहां बैठे थे, उनके सामने मैंने बात रखी कि युवा ओबीसी के युवाओं में बड़ा आक्रोश है, वो वापस सड़कों पर उतरेंगे, इस बार हजारों की संख्या में आएंगे, वो विसंगतियां दूर करें, ये मैंने बात रखी है। उन्होंने इसको गौर से सुना है और मैंने कहा कि आप पहले से ही, क्योंकि वो हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे तो कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये बात मैंने रखी है, आज भी रखी है, जब सारी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में बात होने के बाद मैंने वो औपचारिक तौर पर वो बात रखी है कि मैं सोशल मीडिया पर लगातार उनका आक्रोश देख रहा हूँ, उनकी विसंगतियां दूर होनी चाहिए, मैंने आज भी आप लोगों की बात रखी है। और जो इसमें मैसेज करे, कल दो तीन लोग भी आए थे, इसके लिए जून में अलग से आंदोलन किया जाएगा ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर, जल्द उसकी तारीख भी आप लोगों को बता दी जाएगी। बिल्कुल जूनियर, हाँ प्रयोगशाला सहायक भर्ती कल न्यायालय से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त। साथियों, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे अभी कहीं निकलना भी है, मैं लाइव आया हूँ युवा तक कार्यक्रम के बीच में, जब भी आऊँगा तो मैं आप लोगों को मैसेज के माध्यम से बता दूंगा, ट्विटर के माध्यम से बता दूंगा, और आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, आप सब लोग ट्विटर पर जुड़िए, वहां मैं सबसे पहले ट्वीट करके आप लोगों को बताता हूं हर अपडेट कि कब मैं लाइव हूं, क्या होने वाला है, क्या वार्ता में, तो सीधा उपेन यादव सर्च करोगे तो 638,000 से ज़्यादा मेरे फॉलोअर हैं, वहाँ आपको जुड़ना है। फॉलोअर की संख्या इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, कई लोगों ने मेरे नाम से फर्जी आईडी बना रखी है, जिसे आप फॉलोअर की संख्या देखोगे तो इससे पता चल जाएगा ओरिजिनल आईडी कौन सी है, और यूट्यूब पे भी आप उपेन यादव सर्च करोगे मिल जाएगा। हाँ, ओरिजिनल आईडी बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि और फर्जी आईडियों पे आप नहीं जा सके, परिमित नहीं हो सके। साथियों, आप लोगों के लिए मैं संघर्ष आज भी कर रहा था, कल भी कर रहा हूँ, अब हमने एक महीने का समय दिया कि आने वाले जून महीने में हमारी विभिन्न मांगें पूरी नहीं हुई तो हम एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। आप ये सोचे कल हम आए और मान लीजिए हमारे आते ही काम हो जाए, नहीं होता, लड़ना पड़ेगा भाई, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आप सोचिए, भर्ती आपकी, सपने आपके, भविष्य आपका, उपेन यादव आपके लिए सड़कों पर बैठा था, धूप में भूखा बैठा था, लड़ रहा था, धक्के खा रहा था, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के आंसू देखा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, पीड़ा समझता हूँ, मैं उन माँ बाप की पीड़ा समझता हूँ जो आपके लिए तरसते हैं, तड़पते हैं कि मेरा बेटा और बेटी नौकरी कब लगेगा। मैं आज इसलिए खुश हूँ आज, क्योंकि मुझे लाखों युवा बेरोजगारों के माँ बाप का प्यार मुझे मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा है, और इसलिए जब भी मुझे गिराने के लिए बहुत लोग आते हैं, मेरे खिलाफ कितने षड्यंत्र होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैं गिर क्यों नहीं पाता, क्योंकि युवाओं का साथ है, युवा मेरा अभिमान है, मेरी ताकत है, और उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है, और सच्चे दिल से किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। और आज मैं फिर इस लाइव में दावा कर रहा हूँ, जो कल हमने आंदोलन किया था, आपने देखा होगा एक जेएन भर्ती में भी कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपने देखा होगा स्कूल की मान्यता रद्द हुई, आपने देखा होगा इंटरव्यू समाप्त करने के आदेश हुए, कुछ शुरू हो गए, और इस महीने आप देखना, पता नहीं अब जल्दी पंचायत राज एलडीसी भर्ती 9 साल से संघर्ष, उनका कैलेंडर जारी होगा, धीरे धीरे देखना इस आने वाले जून महीने कई भर्ती विज्ञप्तियां, कई काम होंगे, इस आंदोलन का, इस धमाके की आवाज का परिणाम आने वाले महीने में आप लोगों को मिलेगा, देखना आप लोग, बहुत काम होंगे देखना, और जो नहीं होंगे उसके लिए फिर मैदान में उतरेंगे। आपका भाई पहले भी साथ था, आज भी साथ, हमेशा साथ रहेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई एमएलए एमपी साथ नहीं है, कोई राजनेता साथ नहीं है, चिंता मत करो, आपका भाई जब तक जिंदा है, जब तक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में, आपका भाई साथ रहेगा। और आपने देखा होगा कि कल पुलिस के सामने जब लड़ रहे थे, सबसे पहला सीना टान के मैं खड़ा था, सबसे पहला लड़ाई में आगे, वहां धक्का खा रहा सबसे आगे मैं था, जब उन्होंने धक्का मारा गिरा तो सबसे पहले नीचे मैं गिरा था, धूप में खड़ा था मैं, खड़ा था मैं, आप लोगों के लिए पहले भी लड़ता था, आगे भी लड़ता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका भाई आपके साथ है, सीना ठोक के खड़ा रहेगा अत्याचार अन्याय के खिलाफ, और पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए तो चाहिए, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक दिन हमारी इस लड़ाई में जीत होगी। साथियों, फिर युवा तक कार्यक्रम में आप लोगों से मुलाकात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, कोई चीज भूल गया होगा तो मुझे फोन पर अवगत करा देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, पटवारी परिणाम के बारे में
बता चुका हूँ और अधिकतर चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, कुछ भूल चुका होगा, कुछ भूल गया होगा क्योंकि कई लोग और भी हैं, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ, मशीन हूँ, उसको आगे आने वाले युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और जो काम होंगे आप लोगों को बताता रहूंगा, आपके संपर्क करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।